हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी आलू गोभी की। फ्रेंड्स, मैंने कि एक ले लिया है फूल गोभी, और जो ले लिए हैं मैंने 6-7 आलू, और ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, और जो कुछ हरी मिर्ची हैं 8 से 10। फ्रेंड्स, अब मैं इसको अच्छे से वॉश करके कट करके बनाती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ अच्छे से वॉश करके। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, मैंने आलू और गोभी को कट कर लिया है। फ्रेंड्स, ये फूल गोभी मेरा 500 ग्राम के करीब था, तो फ्रेंड्स मैंने इसको ऐसे कट कर लिया है, छोटा छोटा देख सकते हो आप। और ये आलू मैंने 4 टुकड़ों में डिवाइड किए हैं, ज़्यादा छोटे नहीं काटने हैं, छोटे बड़े बड़े काटने हैं फ्रेंड्स जी। फ्रेंड्स, आलू भी 500 ग्राम के करीब हैं। फ्रेंड्स, ये लगभग मेरा 1 किलो है, और फ्रेंड्स मैंने इनको पानी में रखा है ताकि ये आलू हैं काले नहीं पड़े इसलिए। और फ्रेंड्स, मैंने ये कुछ सब्जी ली थी, हरी मिर्च ली है, और ये टमाटर लिए थे। फ्रेंड्स, मैंने इसको भी ऐसे बारीक बारीक कट कर लिया है, और ये खूब सारा भर के हरा धनिया ले लिया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं, स्पाइसेस मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच सौंफ, और 1 चम्मच हल्दी, हींग, और तेज़पत्ता, और ये धनिया पाउडर लिए हैं फ्रेंड्स मैंने 3 चम्मच। फ्रेंड्स, आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है कुकर, इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल डाल लूँगी। जैसा कि देखा आपने, मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है, इसको गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, इसमें डाल देते हैं कुकर में, तेल गर्म हो गया है। सबसे पहले इसमें डाल देंगे आलू और गोभी, और फ्रेंड्स आप ध्यान से डालिएगा इसमें आलू और गोभी। इसमें पानी होता है ना फ्रेंड्स, तो ये उछलता है, तो आप ध्यान से कीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसमें इसको अच्छे से कस लेना है, हींग और जीरा सौंफ के साथ अच्छे से फ्लेवर आ जाए इसमें, और तेज़ पत्ता भी डाल देंगे फ्रेंड्स इसमें। अब इसको अच्छे से कस लेना है इनके साथ फ्रेंड्स। दो मिनट या 3 मिनट के आसपास इसको अच्छे से कस लेना है फ्रेंड्स। और इसमें डाल देते हैं फ्रेंड्स हल्दी पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्दी को। इसमें डाल देते हैं फ्रेंड्स लाल मिर्ची पाउडर, और धनिया पाउडर भी डाल देंगे फ्रेंड्स इसमें। इसे भी अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है सब्जी के साथ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये टेस्टी इतनी सब्जी लगती है, आप बार बार बनाओगे, एक बार नहीं 1000 बार बनाओगे, इतनी टेस्टी सब्जी बनती है फ्रेंड्स। ये मेरी फैमिली में तो बहुत पसंद है ये फ्रेंड्स। ये एक्चुअली फ्रेंड्स, ये मेरी मम्मी की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें फ्रेंड्स। इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स, स्वाद अनुसार नमक, हरी मिर्ची, टमाटर भी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स इसमें। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक को और ये सारी वेजिटेबल्स को। फ्रेंड्स, देख रहे हो ना आप, ये लग रही है ना एकदम होटल स्टाइल। फ्रेंड्स, ये दावतों में और एक्चुअली ये होटलों में ही बहुत बनाई जाती है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल लगती है, ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसमें मैं धनिया पत्ता भी ऐड कर दूंगी, इसे ही मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स अच्छे से। फ्रेंड्स, ये देखने में भी जितनी सुंदर लग रही है फ्रेंड्स, इसमें 10 गुना ज़्यादा, ये खाने में बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स ये सब्ज़ी। मैं आपको इसलिए सजेस्ट करूंगी फ्रेंड्स, ये ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ गर्मा गर्म शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपकी फैमिली में और आपको बहुत ही पसंद आएगी ये सब्ज़ी, यकीन मानिए फ्रेंड्स। और इसमें फ्रेंड्स पानी नहीं जाता है, इसको बस कुकर लगा कर कवर करके रख देंगे फ्रेंड्स इसको आलू और गोभी सॉफ्ट हो जाने तक। जैसा कि देख सकते हो आप, मैं कवर कर दे रही हूँ फ्रेंड्स इसे। फ्रेंड्स, ये झटपट बन जाती है ये सब्जी और बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। 1 सीटी आ जाने तक वेट कर लेना है, फिर इसमें आपके आलू और गोभी सीटी में सॉफ्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए, इसका बन जाने तक का वेट कर लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो हमने कुकर को खोल लिया है और ये बिल्कुल सब्जी बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स। सो ब्यूटीफुल लुक फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि इसमें इसलिए ऐड नहीं किया है, गोभी में एक अलग से पानी होता है फ्रेंड्स, वो अपना पानी छोड़ती है सब्जी में और एक सीटी में ही बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हो आप। चलिए मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें एक चम्मच छोले का मसाला ऐड कर लेती हूँ। एक चम्मच छोले का मसाला डाल लेंगे फ्रेंड्स इसमें। फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप ज़रूर ज़रूर बनाइएगा ये फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बनती है ये सब्जी। और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लेंगे इसमें। चलिए तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्लेटिंग करके बताती हूँ गर्मा गर्म पराठों के साथ, घी के पराठे के साथ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने गर्मा गर्म पराठों के साथ सब्जी को सर्व कर लिया है। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हो मैंने ये घी के पराठे बनाए फ्रेंड्स, इसके साथ तो मज़ा ही आ जाएगा फ्रेंड्स इस सब्जी के, आपको ट्राई जरूर करना फ्रेंड्स। और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, बिलीव मी। और मेरी रेसिपी आज की अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, और बेल आइकन पर प्रेस बटन को जरूर कर देना, जिससे कि सबसे पहले वीडियो मेरी आपको देखने को मिले फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, बाय, मिलती हूँ न्यू कुकिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। ऐसी कुकिंग वीडियो के साथ मैं हमेशा लाती रहूँगी आपके लिए फ्रेंड्स।